मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस भी है। और ये भी जताना है कि जब केशव यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी पहली बार यूपी में 312 सीटें जीत सकी। देखिए ये फैक्ट है, चुनाव में पास्ट में इतिहास में अगर कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस रही है कम या ज्यादा रही है तो वो एक इतिहास बन जाता है, पार्टी के इतिहास में लिखा जाता है। के बीच विवाद कितना गहरा है इसे एक और तथ्य से समझ सकते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए स्पेशल 30 टीम बनाई है, लेकिन योगी की इस टीम में ना तो केशव मौर्य हैं और ना ही ब्रजेश पाठक, यानी दोनों डिप्टी सीएम को दूर रखा गया है। ओवरऑल ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे मैं कारण ये मानता हूं कि मोनोटोनस स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों से बीजेपी की रही है, चाहे मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप हायरार्की में देखें जो काम करने का तरीका था, जो मुद्दे थे, वहां पे कुछ एक चेंज की जरूरत है। ये एक छिपी हुई डिमांड है कार्यकर्ताओं की, जो कार्यकर्ता या बीजेपी के पदाधिकारी पकड़ नहीं पा रहे हैं। तमाम अप्स डाउन के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य के पास 7 साल से डिप्टी सीएम और कई मंत्रालयों का अनुभव है। यूपी में बीजेपी के वे बड़े पिछड़े चेहरे ही नहीं बल्कि जमीन से जुड़े भी हैं। लंबे